नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे हो और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे मुझे सीरियसली नहीं पता अगर मैं ज़रा सा भी आपका टाइम वेस्ट करूं अगर आपके पास कुछ करने को है या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में प्लीज़ इस वीडियो को आप अभी स्किप कर सकते हो और छोड़ के जा सकते हो सीरियसली आई एम पिस्ड ऑफ विद ऑल दिस थिंग्स ऑन यूट्यूब यार मेरे नाम से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और अब जाके मेरे को पता चला इतने सालों बाद दो साल के बाद मेरे को चीज़ें पता चली हैं कि विशाल ने ये सब कर दिया और मेरे नाम से इतना तगड़ा गेम चल रहा है यूट्यूब पे और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा परेशान पहले भी था और इन चीज़ों से अब भी हूँ मेरे को नहीं पता कि क्रिएटर्स ऐसा क्यों करते हैं यार यूट्यूब पे क्यों ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं किसी की लाइफ के बार बार क्यों किसी की लाइफ में इतनी दखल अंदाजी करते हैं यार सीरियसली गाइज मैं सीरियसली बताऊँ मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ें बहुत होते हुए देख रहा हूँ जब से मैंने यूट्यूब चैनल पर काम करना अपने कुलटेक पर ख़त्म करा है ये चीज़ें और ज़्यादा अब तो बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने कम कर लिया और अब लोगों को पता चल गया है कि विशाल वापस आ चुका है तो अगेन ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या स्टार्ट हो गया यार तेरे तो व्यूज़ भी कम है लेकिन सीरियसली आज भी लोग मेरे नाम से ये ये सब चीज़ें फैला रहे हैं और एंड इट हर्ट्स यार ये बहुत दिल को दुख देता है यार ये चीज़ें करने के बाद भी बुरा लगता है यार आप मानोगे नहीं मैंने दो साल पहले ये टू छोड़ा था और YouTube छोड़ने के बाद लोगों ने पता मेरे ऊपर से क्या वीडियो बनाई मेरे ऊपर कि विशाल का चैनल कंट्रोवर्सीज़ की मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी आपको पता है मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ अभी प्लीज़ ये फाइनल वीडियो मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद मैं फिर से YouTube छोड़ दूंगा अगर ये चीज़ें दोबारा स्टार्ट रही तो ठीक है अभी पता है क्या चल रहा है मैंने दो साल पहले YouTube छोड़ा था और उसके बाद लोगों ने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी कि विशाल का चैनल कंट्रोवर्सीज़ की वजह से ख़त्म हो गया विशाल के चैनल को स्ले पॉइंट ने ख़त्म कर दिया अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि तुम्हारी रियल लाइफ में कभी किसी से बहसबाजी नहीं होती तुम्हारी लाइफ में यूट्यूब इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड कंट्रोवर्सीज़ आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ यार हर किसी की लाइफ में कंट्रोवर्सीज होती हैं बहसबाजी होती है लोगों से तो यूट्यूब पर अगर किसी की कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं तो इसमें बुरी क्या बात है यार इसमें क्या क्या दिक्कत क्या है कंट्रोवर्सीज की वजह से आई डिट र्यून माई चैनल यार मैंने खुद यू र्यून नहीं करा इन चैनलों को कंट्रोवर्सीज़ ने ख़राब नहीं करा ये चीज़ें मेरे चैनल को कब खराब करके गई लोग ये भी वीडियोज़ बनाती कि विशाल के व्यूज़ खत्म हो गए चैनल कुल डेड हो गया ये चैनल जब ख़त्म हुआ है जब मैंने दो साल का गैप लिया दो साल से धीरे धीरे लोग जाते गए जाते गए और मेरे को दोस्त अगर भाई आप एक बात बताओ आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और उसकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही तो आप उसे धीरे धीरे दिमाग से निकाल दोगे ना उन चीज़ों को आप तो चैनल भी अनसब्सक्राइब करना भूल जाओगे कि भाई इस बंदे की वीडियो नहीं आ रही कौन था वो कौन वीडियो डालता था तो ऐसे ही मेरे कूल टेक इस चैनल की वीडियोज़ रिकोमेंड में होना बंद हो गई है रिकोमेंडेड फीचर्स में नहीं जा रही है ब्राउज फीचर्स में नहीं जा रही है बस इतना सा मैटर है लेकिन लोग इन चीज़ों को आज के व्यूज़ को इस कम को पहले की चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि कंट्रोवर्सीज़ ने चैनल रिवून कर दिया तेरा फ्यूचर तेरा करियर भर अरे ये मेरा फ्यूचर नहीं है यार आई डोंट थिंक यूट्यूब इज़ माई फ्यूचर सीरियसली मैं नहीं मानता इसको फ्यूचर अगर मैं इसको फ्यूचर मान रहा होता मैं दो साल का गैप नहीं लिया होता यार यू वोंट बिलीव आई एम अ सिंगल चाइल्ड इन माई फैमिली आप यार एक लड़की की क्या जिम्मेदारी समझोगे अपने घर में अपनी फैमिली में छोटा बड़ा सब मैं हूँ यार और सब कुछ मेरे को देखना है यार आगे जाके तो मैंने यूट्यूब पे दो साल का गैप लिया तो मैंने कुछ तो किया होगा ना अपनी लाइफ में कुछ तो मैंने सोचा होगा कि मैंने दो साल इसको छोड़ रहा हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा इसको मैं इतनी बढ़िया चीज़ें चल रही थी मैंने क्या करा लाइफ में बैक एंड में मैंने इतनी चीज़ें करी कि मैं उसको बताऊँगा ना आप लोग इतना हैरान हो जाओगे एंड यू विल गेट शॉक्ड आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी इतना मैंने अचीव करा लेकिन वो भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता किसी को मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं यार और मानोगे नहीं मैंने अपना फ्यूचर बना दिया उन चीज़ों से YouTube is not my future ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वापस कम बैक करा यूट्यूब से क्या आता है यार कुछ नहीं आता कितने व्यूज़ आ रहे हैं यार जाके देखो मेरे रियल टाइम व्यूज़ पता कितने है कितने हैं यूट्यूब पे पैंतीस सौ और छत्तीस सौ पैंतीस सौ और छत्तीस सौ रियल टाइम व्यूज़ है क्या आ रहा है यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ यूर लव यार आप सब लोगों की वजह से मैंने यहाँ कम बैक करा है यार मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा नहीं है मैं एहसान एहसान फरामोश हूँ मैंने यूट्यूब से चीज़ें सीखी और मैं बाहर जा चला गया ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप मेरी जगह हो गए और इफ़ यू आर अ सिंगल चाइल्ड यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आ रहा और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ऑब्वियसली आप कोई बाहर जाओगे अच्छी चीज़ें करोगे सीखोगे दुनिया को और ज़्यादा पैसा कमाने की सोचोगे ताकि आपकी लाइफ में पुष मिल पाए आपको एक आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ पाए क्योंकि YouTube अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है जब आप ग्रो कर जाओगे तो बहुत अच्छा कमा लोगे लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ों में दिमाग लगा के और ग्रो करूँ पहले के व्यूज़ देखो जाके पचास पचास लाख लाख व्यूज़ आते थे मेरे और उसके बाद एकदम से कम क्यों मेरी वजह से दो साल गैप ले लिया मैंने अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कंट्रो कंट्रोवर्सीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ रियल लाइफ में आपकी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं हर किसी से लड़ाई होती है कभी ना कभी कंट्रोवर्सीज हुई हैं लेकिन रियल लाइफ की कंट्रोवर्सीज से आप कुछ ना कुछ सीखते हो और वहाँ पे आपका नुकसान होता है लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ ये जो यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कंट्रोवर्सीज़ होती है ना तो इसमें क्रिएटर का फ़ायदा होता है जिनकी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं हर किसी का फ़ायदा होता है क्रिएटर जो भी कंट्रोवर्सीज़ में इन्वॉल्व है हर कोई व्यूज़ ले जाता है क्योंकि व्यूज़ का पैसा मिलता है और चैनल अप जाता है और पैसा मिलता है आपको लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो कंट्रोवर्सी ज़रा पार्ट ऑफ लाइफ कहीं पर भी कैसे भी हो सकती है यार तो इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और रही बात स्ले पॉइंट की स्ले पॉइंट ने मेरा चैनल ख़त्म कर दिया ये हो गया वो हो गया स्ले पॉइंट ने भी कुछ नहीं करा स्ले पॉइंट एक चैनल है जो रोस्ट करता है ठीक है मेरे को स्ले पॉइंट वाली वीडियो बनाई थी मैंने मैं रो रहा था उसमें पता नहीं क्या लोगों ने बोल दिया कि भाई तू बहुत ज़्यादा सैड है उसमें मेरे घर वालों को गालियाँ पड़ रही थी सम ऑफ द पीवल यूज टू अब्यूज माई पेरेंट्स मम्मी पापा तो ऑब्वियसली वो हर्ट करी वो चीज़ है मेरे को इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई दैट्स इट मेरे को रोस्ट वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार क्यों प्रॉब्लम होएगी मेरे को मेरे को जितना मर्जी कह लो ना यार मैं तो क्रिएटर हूँ मेरा फेस दिख रहा है आपको कुछ भी क्रिटिसाइज करो कुछ भी करो लेकिन यार देख के करो कुछ ना कुछ तो ऐसा करो मेरे घर वालों को मत बोलो यार कुछ तो सोच रखो ऐसी कि हाँ भाई मैं ये लिखने वाला हूँ इसको अंदर से किसी की अपने बैक लाइफ देखी है कि बैक एंड में क्या चलती हैं उसकी चीज़ें बस आप यूट्यूब पे देख लेते हो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती यू डिसलाइक एंड चले जाते हो सिंपल ये सही लगता है लेकिन आप किसी की लाइफ के बारे में उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो भाई दो साल गम नहीं होता यूट्यूब में मैंने जो चीज़ें छोड़ी थी ना उसके बाद मैंने ऐसी चीज़ें करी ना आए मैं क्या बताऊँ यार सीरियसली मैं एक दिन ऐसा रिवील करूंगा ना कि जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स आज भी हैं ना वो सारे शॉक्ड हो जाएंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाई थी और जो आज यूट्यूब पे चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं जिसके देखो मैं क्लियरली बात बताऊँ कि हर समय एक जैसा नहीं होता अगर दिन है तो रात भी है ठीक है अगर सुबह है तो शाम भी है तो ऐसा मत सोचो कि आपके अच्छे दिन ही चलेंगे आपके बुरे दिन ही चलेंगे भाई आपके ऐसे दिन आ जाएंगे ना किसी दिन अगर आप मेहनत कर रहे हो कि आप कहाँ पहुँच जाओगे भगवान आपको कहाँ ले जाएगा सीरियसली बता रहा हूँ प्लीज़ ऐसे किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो करो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी है यार आप एक सिंगल चाइल्ड हो यार आप लोग दे मैं एक सिंगल चाइल्ड हो यार देख के तो क्रिटिसाइज़ करो यार कि इसको कितनी चीज़ें करनी होती होंगी अपनी लाइफ में यार आप ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हो सीरियसली बहुत बुरा लगता है यार इन चीज़ों को और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू आर गेनिंग व्यूज़ विद माई नेम मेरे नाम से आप फ्रॉम माई नेम मेरे नाम से व्यूज़ ले रहे हो तो लो नो इश्यूज बट 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 यार एंड में ये बोल दो कि ये क्रिटिसाइज वाली वीडियो नहीं थी या फिर ऐसा कुछ भी मैं हेट फैलाना नहीं चाहता प्लीज़ क्योंकि लोग वीडियोज़ देख के मेरे चैनल पे अभी देखो वैसी ही मंदी चल रही है यार आपको पता ही है लेकिन फिर उसके बाद और लोग आगे उल्टा सीधा बोलते हैं कि तू तो ये करने वाला था हो गया सब ठप नहीं यार नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन और पहले से और चीज़ें अच्छी हैं मेरी लाइफ में पहले जैसा वो नहीं है कि मैं बस YouTube पे ही निर्भर रहता था नहीं आई लॉन्ट अलाट ऑफ न्यू थिंग्स और मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें स्टार्टअप्स वगैरह बिजनेस वगैरह मैं बैक एंड में चला रहा हूँ यार सीरियसली ये जो YouTube पे जितने भी क्रिएटर्स हैं ना वो सिर्फ YouTube पर ही निर्भर होंगे मेरे हिसाब से और भी चीज़ें करते होंगे लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बैस करा इन दो सालों में यार बाकी आप लोगों की मर्ज़ी डू वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक यार जो आपकी मर्ज़ी लेकिन प्लीज़ किसी के घर वालों पर किसी की लाइफ पे किसी की किसी के पास के क्रिटिसाइजेस को किसी की पहले की मेहनत को ऐसे क्रिटिसाइज मत करो यार प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है अब से आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी यार अगर ऐसी वीडियोस बंद हो गई मैं दो दिन और देखता हूँ अगर ऐसी वीडियोस बनती रहती हैं तो मैं क्या फ़ायदा फिर यार फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यार आई विल लीव और चला जाऊँगा इसको यहीं छोड़ देंगे ख़त्म कर देंगे चैनल को और बस फिर जो होगा आप देखते रहना पुरानी वीडियोज़ एंड गेन करते रहना नॉलेज इन जितनी पहली वीडियोज़ में है बाकी आप लोगों की मर्ज़ी यार एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स यार अब लोग बोलेंगे कि तू भाई ख़त्म कर देना इस चीज़ को इग्नोर कर नहीं होता इग्नोर मुझसे इग्नोर नहीं होता यार मुझसे इग्नोर नहीं होता यार सीरियसली मैं क्यों नहीं कर पाता इग्नोर मेरे को नहीं पता अब लोग बोलेंगे तेरे को ग्रो करना है तो तेरे को सीखना पड़ेगा कैसे इग्नोर पता नहीं यार इतना तीन लाख पे आने के बाद भी मैं इग्नोर करना नहीं सीखा यार कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है ना मुझे पता है मैं सच्चा हूँ अंदर से लेकिन बुरा लगता है यार इट हर्ट्स यार कि मैंने ये सब किया ही नहीं तो क्यों लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर पाता हूँ उन चीज़ों को पता नहीं कैसा नेचर है मेरा मैं इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाता कि नहीं भाई इसका जवाब मैं साले का देकर जाऊँगा मुँह पर दूंगा इसका जवाब मैं हूँ नहीं ना गलत तो मैं बोलूँगा पता नहीं क्यों होता है यार मेरे साथ भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है मिलते हैं किसी और वीडियो में अगर सब कुछ सही रहा तो नई वीडियो आ जाएगी नहीं सही रहा तो लास्ट बार देख लो फिर उसके बाद और क्या चलो मिलता हूँ बाय बाय लव यू भाई